तो भाई लोग, मिशन ऑक्सीजन को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुका है। अपडेट ये है कि जो इसका जो स्टोरी जो सिलेक्शन करना था, जिस तरीके से थोड़ा सा और इसमें ऐड करना था, लेकिन वो चीज़ें नहीं होगा। टोटली जो रियल है, मेरे हिसाब से रियल ही रखना चाहिए, कुछ भी फिक्शनल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो रियलिटी है वही लोगों को इमोशनल करके रख देगा, वही काफ़ी है लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टोरी एकदम स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट राइटिंग एकदम ख़त्म हो चुका है। और इसको जो फिल्म शूटिंग होने वाला है, इस फिल्म का शूटिंग जो है नवंबर के महीने में किया जाएगा, या फिर बोल सकते हो अक्टूबर के महीने में, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा बारिश की वजह से काम रुका पड़ा है। और इस फिल्म में जो है अच्छा VFX CGI यूज होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज तक ओडिया इंडस्ट्री में अगर वो भी हुआ है, वो सब कंप्यूटर जनरेटेड है, मतलब कि कुछ भी VFX यूज नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो है VFX यूज होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से VFX यूज किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी बजट की मूवी होने वाला है। और आप सभी लोग बताएं कि ये इसको दमन टीम जो है इस फिल्म को बना रहे हैं, मिशन ऑक्सीजन, और ये फर्स्ट टाइम ओडिया इंडस्ट्री में ऐसा फिल्म होगा जो कि मालगिर के साथ और बहुत ही बड़ी बिग बजट के साथ एक VFX लेके आएंगे। एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने वाला है लोगों को, और आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ VFX के ऊपर, क्योंकि ओडिया इंडस्ट्री में आज तक ऐसा VFX नहीं बनाए जो मिशन ऑक्सीजन में और मालगिरी इन दोनों फिल्मों में बनने वाला है। ये बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट होगा ओडिया इंडस्ट्री के लिए कि इस तरह का मूवी लेके आ रहे, और एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग होगा। देखते वो किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से इसको फिल्म ऑडियंस के सामने लेके आते हैं। और भाई का यार, अपने भाई का 3000 सब्सक्राइबर पूरा कर दो बस भाई, यही मेरा है रिक्वेस्ट है। जय जगन्नाथ, मस्त रहो, अच्छा रहो।